सो हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू अगेन एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल क्रैक सी एग्जाम्स एंड होप यू आर गोइंग गुड। सो ऑल डियर सी स्टूडेंट्स, अगेन मैं आपके सामने हूँ और इस वीडियो का जो डिस्कशंस है वो दिसंबर 2021 रिजल्ट्स के पासिंग परसेंटेज को लेकर के है। इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर कर रहा हूँ। एज वेल एज अभी मैंने लेटेस्ट वीडियो आपके रिलीज किया था मई 2022 एग्जामिनेशन डेट में, मैंने उसमें बोला भी था आपको कि आपके जो एग्जाम्स की डेट है वो आपको देखने को मिलेगा, दैट इज इन द सेकंड वीक के जो स्लॉट है उसके किसी भी डेट में देखने को मिल सकता है। और जैसा बोला था उसके आज, मतलब जिस दिन वीडियो अपलोड करी थी उसके नेक्स्ट डे पे, दैट इज आज की डे की बात कर रहा हूँ, ICAI ने अपना नोटिफिकेशन भी ऑफिशियली अनाउंस किया और आपकी एग्जाम्स, इंटरमीडिएट की एग्जाम्स 15th ऑफ मई से स्टार्ट होने जा रही है। तो जैसा वो बताया था, अब कुछ प्रिडिक्शंस मेरी आ रही हैं, जो मैंने प्रिडिक्शंस करी है पास्ट के एनालिसिस को, ट्रेंड जो देखा है, रिजल्ट्स, पासिंग परसेंटेज को, ओल्ड सिलेबस हो, न्यू सिलेबस हो, सबका डिस्कशन इस वीडियो के अंदर किया जाएगा। फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल रिजल्ट्स वन बाय वन करके डिस्कशन करेंगे, लेकिन बिफोर डिस्कशन ऑफ दैट, ऐसी कमिंग वीडियोस इसी तरह के रिलेटेड टॉपिक्स, रिलेटेड ICAI नोटिफिकेशंस, रिलेटेड ICAI जो भी आपको ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स, उससे पहले कोई भी चीज़ आपको क्विक अपडेट्स मिल जाए, तो आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शो योर लव, एज वेल एज आप टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। सो ऑल डियर सी स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पासिंग परसेंटेज एनालिसिस, बिकॉज वी हैव एनालाइज द पास्ट परसेंटेज, दैट इज न्यू सिलेबस की जो डिस्कशन अगर हम करें, तो नए सिलेबस की जो पासिंग परसेंटेज इस बार आ सकती है, मैं यहाँ पे आपको एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा बिकॉज जस्ट इज माई प्रेडिक्शन, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस तरह का कोई नहीं है, ना ही मैं कोई काउंसिल का मेंबर हूँ, बट एट द सेम टाइम जितना हो सका है बेस्ट एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ। जो आप लास्ट टाइम में देखेंगे न्यू सिलेबस की, अगर मैं बात करूँ, मैं आपको नंबर भी नहीं बताऊंगा यहाँ पे कि 25 लगेगा, 30% रहेगा, नो, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि गुड और बैड, कि जो पासिंग परसेंटेज न्यू सिलेबस की है जैसी चली आ रही है वो ऐसी ही रहेंगी इस बार। जैसे कि अगर मान लो आप पास्ट की बात करेंगे, तो पास्ट में जो न्यू सिलेबस का पासिंग परसेंटेज रहा होगा वो कितना भी रहा हो, डजंट मैटर, उतना ही आपका पासिंग परसेंटेज या उससे 1-2% नीचे जा सकता है, 1-2% आपका नीचे जाएगा, इससे ज्यादा आपका नीचे नहीं जाएगा, इतना आपका नियर अबाउट आपका पासिंग परसेंटेज न्यू सिलेबस वालों का रह सकता है दिसंबर 2021 एग्जामिनेशंस में जो आपने एग्जाम दिए थे। बात कर लेते हैं ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स की, जो पासिंग परसेंटेज रहने वाली है इस बार, जैसा मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि लास्ट 4 अटेम्प्ट से ओल्ड सिलेबस वालों के साथ तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से ICAI ने परसेंटेज पासिंग निकाली है, इतनी जबरदस्त रिजल्ट मैंने लाइफ में एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, इतना बुरी तरह से रिजल्ट पासिंग परसेंटेज आ रहा है ओल्ड सिलेबस का। लेकिन इस बार जो मैं देख रहा हूँ प्रिडिक्शंस, वो इस बार मैं ऐसा देख पा रहा हूँ कि यस, ICAI लास्ट अटेम्प्ट को देखते हुए कुछ रिलैक्सेशंस, कुछ लिबर्टीज ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स को दे सकता है, और जहां तक मुझे लग रहा है प्रिडिक्शंस मेरी, ओल्ड पासिंग परसेंटेज इस बार ज्यादा देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। तो जितना भी आपका लास्ट रहा है उसके हिसाब से अगर देखें, तो इस बार पासिंग परसेंटेज ज़्यादा देखने को मिल सकती है, नो, उसमें कहीं से कहीं तक भी कोई डाउट नहीं आना चाहिए एज पर माय प्रेडिक्शन। हो सकता है दैट द प्रेडिक्शंस और द ओपिनियंस कैन बी डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम और दैट इज अदर टू अदर। तो इसमें अब जो हमारे पास फाउंडेशन रिजल्ट रहता है, वो फाउंडेशन रिजल्ट की अगर मैं पासिंग परसेंटेज की बात करूँ, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो उसमें भी पास हो सकते हैं, जहाँ पे ग्रेस मार्किंग दी जाएगी इस बार, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अगर देखे जाए तो बहुत सारे क्वेश्चंस गलत थे इस बार, ICAI ने क्वेश्चन ही गलत पूछ लिए थे 10-12 मार्क्स के, तो उस क्वेश्चन की वजह से भी ICAI में जो फाउंडेशन का रिजल्ट है वो इस बार बेटर हो सकता है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा पिछले पास परसेंटेज से, इस बार ज़्यादा परसेंटेज आपको देखने को मिलेगी फाउंडेशन से, 4-5% आपका इंक्रीज हो सकता है। तो ये था मेरा तीनों को लेवल को लेकर के, कि क्या क्या पासिंग परसेंटेज में कितना गुड और बैड हो सकता है, यानी कि लास्ट के अटेम्प्ट से अगर मैं इस अटेम्प्ट की बात करता हूँ तो वो कैसे परसेंटेज में देखता आ रहा हूँ, ऐसा मैंने कुछ एनालिसिस किया। मैं आपको नंबर नहीं बता रहा, मैं वापस से बोल रहा हूँ इस बारे में, ठीक है, नंबर नहीं बता रहे क्योंकि ऑफिशियली नंबर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट यस ये कह सकता है कि पास में गुड और बैड का क्या एक रह सकता है। सो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आई है तो यार लाइक कर देना, बिकॉज ICAI से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स
मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, ये जस्ट बिल्कुल एनालिसिस करके किया जाता है, कोई हवा में कुछ नहीं बोलता मैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है, जो अपकमिंग वीडियोस आएंगी आपको इसी तरह से मिलती रहेंगी। और अपडेट्स पाने के लिए, क्विक अपडेट्स पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, एज वेल एज आप टेलीग्राम चैनल पर भी जाके ज्वाइन करिए, वहाँ पे इमीडिएट आपको अपडेट्स मिल जाते हैं। सो थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। कीप स्टडिंग एंड कीप हार्ड वर्किंग।